उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद पिछले दिनों खासा सुर्खियों में रहा था। ज्योति के पति आलोक ने अपनी पत्नी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें से एक मामला लेन देन का भी था। अब इस मामले में ज्योति मौर्य बुरी तरह से फंस गई हैं। बता दें कि ज्योति के पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के खिलाफ लेन देन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और इसको लेकर शिकायतें भी दर्ज करवाई थी, जिसमें अब गृह विभाग ने ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ज्योति मौर्य के ऊपर लगे लेन देन के आरोप में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नियुक्ति विभाग ने शुरू की। गृह विभाग ने ये जांच प्रयागराज कमिश्नर विजय विश्वास पंत को दी। जांच के लिए जांच कमेटी का गठन हुआ। कमेटी में प्रयागराज के अपर आयुक्त एडीएम एसीएम भी मौजूद हैं। पति आलोक ने लेन देन को लेकर की थी शिकायतें। शिकायत के दौरान आलोक ने लिखित में भी कई सबूत पेश किए और अपनी शिकायत नियुक्ति विभाग को भेजी थी। आलोक ने आरोप लगाया था कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने अपनी नौकरी के दौरान लेन देन किया है। ये लेन देन पद पर रहते हुए किया गया। इन लेन देन में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश नियुक्ति विभाग ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि जाँच कमेटी जाँच करने के बाद जाँच रिपोर्ट शासन को भेजेगा। ये है आलोक और ज्योति के बीच पूरा विवाद। आपको बता दें कि पीसीएस अधिकारी ज्योति और उनके पति आलोक का विवाद पिछले दिनों सोशल मीडिया पर खूब छाया रहा। इस मामले की चर्चा यूपी समेत पूरे देश भर में हो रही थी। दरअसल आलोक ने ज्योति के ऊपर आरोप लगाया था कि पीसीएस अधिकारी बनने के बाद ज्योति ने उनसे दूरी बना ली और उसका संबंध एक अन्य अधिकारी मनीष दुबे के साथ हो गया। दूसरी तरफ पीसीएस ज्योति मौर्य ने अपने पति के सभी आरोपों को गलत बताया था और अपने पति पर ही झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगा दिया। बता दें कि ज्योति मौर्य ने अपने के खिलाफ दहेज का केस भी दर्ज करवा रखा है। तो आलोक ने भी ज्योति और कथित प्रेमी मनीष दुबे के खिलाफ उसको जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। बहरहाल ज्योति मौर्य पर शुरू हुई जांच के बाद उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।